लेट्स लुक एट नॉन इंस्टेंटेनियस री सप्लाई अभी तक हमने इंस्टेंटेनियस री सप्लाई को ही कंसिडर किए तो नॉन इंस्टेंटेनियस री सप्लाई बेसिकली इट इज़ प्रोडक्शन ऑर्डर क्वान्टिटी कॉमनली प्रोडक्शन के अंदर हमारा ये होता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर क्वान्टिटी जो भी हम दें तो प्रोडक्शन हो रही होती है उसके साथ साथ कंजम्पन भी डिमांड मीट भी की जा रही होती है तो इन्वेंट्री उस तरह बिल्ड अप नहीं होती जिस तरह इंस्टेंटेनियस रीफ सप्लाई के अंदर होती है तो दिस इज़ नॉन इंस्टेंटेनियस रीफ सप्लाई और uh, इसके अंदर जो मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल के अंदर थोड़े सी एडिशन की हुई है और उस बेसिस के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें इस फिगर को तो दैट दिस इज़ ऑर्डर क्वांटिटी मैक्सिमम वैल्यू जो हमने टारगेट की हुई है दैट इज क्यू पी कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है हमने क्या देना है अब इसके अंदर इतनी बिल्डअप नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि दिस इज आर प्रोडक्शन रेट एंड दिस इज आर कंजम्पशन रेट डिप्लीशन रेट एक्चुअली अगर तो कोई डिप्लीशन ना हो तो यहाँ तक हमारी इन्वेंट्री बिल्डअप हो जानी चाहिए लेकिन क्योंकि डिप्लीशन भी हो रही है तो ये नहीं होगी So what will happen is production rate and demand rate build up हो. So this is number of units our inventory When hogi, production run complete ho So instead of this quantity, actually we are getting a lower quantity. इन आर इन्वेंट्री आफ्टर द प्रोडक्शन रन इज कंप्लीट दिस लाइन शोज़ के इसके अंदर डिमांड भी यूज़ हुई है और वो भी मीट हुई है तो ये जो है जो ग्रोथ हो रही है ये प्रोडक्शन के वजह से हो रही है बट इसमें से डिमांड हमने निकाल ली वो मीट कर ली है उसकी डिमांड तो उसके बेसिस के ऊपर हमने इसको ये ग्रो किया इन्वेंट्री दिस इज़ बेसिकली जब आपकी डिमांड प्रोडक्शन रन कंप्लीट हो गया है इस दिस पॉइंट तो फिर हमारी डिमांड ओनली आ जाता है मैंने बताया था कि दो स्टेज होते हैं तो दिस इज दिस इज री ऑर्डर पॉइंट हमने इधर ऑर्डर प्लेस करना है कि हमने डिटर्मिन किया हुआ है कि ये क्वान्टिटी होगी तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे दिस इज आर लीड टाइम हमने इधर ऑर्डर प्लेस किया है और इधर हमने नया ऑर्डर रिसीव किया है तो दिस बेसिकली इज आर लीड टाइम अगेन लीड टाइम इसके अगर हम ऑप्टिमम क्वांटिटी का वो देखें तो कैलकुलेशन के अंदर व्हाट इज है इज दिस इज बेसिकली योर ई ओ क्यू मॉडल उसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया पी डिवाइडेड बाय पी माइनस डी स्क्वेयर रूट पी इज प्रोडक्शन रेट एंड डी इज डिमांड रेट तो इससे हम इसको आ, इस ई मॉडल में ऐड किया है और उसकी वजह से ये हमारे पास आ, क्या कहते हैं पी ओ क्यू प्रोडक्शन ऑर्डर क्वान्टिटी का मॉडल आ जाता है आ, और इसके बाद जब ये हम कैलकुलेट कर लें तो रीऑर्डर पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होगा वो उसी तरह हमने कैलकुलेट करना है जो कि हमने पहले यूज़ किया था आ, इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होगा बेसिकली मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज योर टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन आपने कितना प्रोड्यूस किया लट से एक वीक का प्रोडक्शन रन था तो एक वीक के अंदर टोटल यूज प्रोड्यूस किया माइनस टोटल डिमांड ड्यूरिंग दैट वन वीक पीरियड जो प्रोडक्शन रन था तो वो आपके पास जो क्वान्टिटी बचेगी वो इन्वेंट्री बिल्डअप करने में काम आएगी और वो मैक्सिम इन्वेंट्री होगी आपकी सो दैट इज बेसिकली पी टी इज प्रोडक्शन रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम डी टी इज डिमांड रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम उसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास मैक्म इन्वेंट्री आ गई अब चीज यह है कि इसको अगर हम क्यूपी के अंदर कन्वर्ट कर दें क्यू पी इज क्वान्टिटी प्रोडक्शन क्वांटिटी तो बेसिकली क्या है कि जो टी है टाइम कितना लगेगा यह क्वान्टिटी प्रोड्यूस करने में डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन रेट दैट मीनस क्वान्टिटी डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन रेट विल गिव यू द टाइम ठीक है तो इसके अंदर इस जो एक्वेजन है इसमें टी को रिप्लेस कर दें क्यू पी डिवाइड बाई पी से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम इन्वेंट्री की दैट इज क्यू पी मल्टीप्लाई बाय वन माइनस डी ओवर पी तो दैट इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री और जो कि हमने कैलकुलेट की अब इसके जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट अगर करनी है सेटअप uh, कॉस्ट तो वही रहेगी होल्डिंग कॉस्ट के फर्क आ जाएगा उसके अंदर क्योंकि अब मैक्सिमम इन्वेंट्री की बात आई है तो मैक्सिमम इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू इज एवरेज इन्वेंट्री क्योंकि बाकी तो जो क्यू पी जो था वो आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री नहीं है ईओ मॉडल में क्यू डिवाइड बाय टू था लेकिन इधर क्यू डिवाइड बाय टू नहीं होगा इधर मैक्सिमम इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू होगा एंड मल्टीप्लाई बाय एच एंड वी हैव बेसिकली क्यू पी डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन माइनस डी ओवर पी मल्टीप्लाई बाय एच दैट इज योर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो कि एवरेज इन्वेंट्री इस केस के अंदर अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा हुआ तो इस केस के अंदर ये आपके पास वैल्यू इसकी आएगी